प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग जो मेरा दौर रहा था भोजपुरी का, वो एक टिपिकल कॉमर्शियल मसाला फिल्मों का दौर था। हाँ, मैं साफ़ सुथरी फिल्में किया, लेकिन आई कांट डिनाई दिस फैक्ट कि ऑल दोज मूवीज़ वेयर दे हैड द कंटेंट्स विच आई डिडंट वांट टू यू नो प्रेजेंट माय मूवी लाइक दैट। कुछ ना कुछ डबल मीनिंग डायलॉग्स या आइटम सॉन्ग्स मेरी मूवी में भी ऐसे रहे हैं जो मैं नहीं चाहता था रहें, बट करना पड़ता था बिकॉज वहाँ का वो एक पैटर्न चल रहा है। और मैं तो बहुत संभल कर चला, मेरी फिल्में फिर भी बहुत नीट एंड क्लीन रही हैं, तो वो सब करके मैं ऊब गया था और मैं चेंज चाहता था। तो मैं अभी हिंदी फिल्म जो किया, दिस इज़ ऑल्सो वेरी फैमिली ओरिएंटेड एंड दो दिस इज़ अ कॉमर्शियल मूवी, बट स्टिल इट इज़ वेरी क्लीन एंड फैमिली ओरिएंटेड मूवी। बट अब जो मैं भोजपुरी करूँगा वो 100% अलग रहेंगी, वैसी मूवीज़ रहेंगी जो प्रकाश झा करते हैं, जिस पर मैं गर्व महसूस कर सकूँ एज एन एक्टर, मैं सेटिस्फैक्शन मुझे मिले। सबके साथ काम करना चाहता हूँ, सभी मेरे फेवरेट्स हैं। यहाँ हर एक्टर से कुछ ना कुछ सीखने मिला है और हर एक से इंस्पायर हुआ हूँ, चाहे वो पुराने एक्टर्स हों या नए एक्टर हों। जो भी यहाँ के स्टार रहे हैं हिंदी में, हर किसी में कुछ ना कुछ बात रही है, कुछ ना कुछ और मटेरियल रहा है, स्टार मटेरियल रहा है, तभी वो स्टार बने थे या बन रहे हैं। तो हर किसी से सीख कर आया हूँ और हर किसी के साथ काम करने का मौका मिले। इस मूवी का बेस तो ये है कि सब लोग बहुत उत्साहित थे, सब्जेक्ट सबको बहुत अच्छा लगता था। जब मैं स्टोरी सुनाता था, ऐसा था कि मैं हिंदी में तो इस्टेब्लिश था नहीं, इस मूवी से इस्टेब्लिश होने की कोशिश करनी थी अभी। तो जब मैं अप्रोच करता था, सब बड़े बड़े टेक्नीशियंस मेरी फिल्म में काम किए हैं, नॉर्मली वो न्यू कमर्स के साथ काम नहीं करते हैं, और जब मैं उनको अप्रोच किया, लेकिन जब वो इन्वॉल्व हुए तो दिल से इन्वॉल्व हुए, सबने जमकर उत्साह के साथ काम किया। ऐसा लगा ही नहीं शूटिंग के दौरान भी कि हम एक फिल्म की शूटिंग इतने हंसते खेलते हुए किया कि लगा कि एक पिकनिक की तरह हमने एंजॉय किया शूटिंग को भी। और एक कॉमेडी वगैरह सीन टाइप कर दिया था किसी ने, वो हमेशा याद रहेगा। पहले 10 साल मैं करते हुए हो गया फिल्म में काम, मेरी फिल्म में किसी ने एक प्रोस्टिट्यूट का रोल किया है, एक हमारी एक्ट्रेस हैं, और एक नॉन फिल्मी एक एक्टर से मैं साथ में एक रोल करवा रहा था, तो उन वो समझ रहे थे कि वो रियल में प्रोस्टिट्यूट है। तो बाद में वो उसको कुछ हेल्प करने के लिए आ गया है, क्योंकि ऐसा फिल्म में सीन था कि विक्टर उसको हेल्प किया, तो वो उसको और लड़की रो रही थी, वो सच में वो उनके आँख में आंसू आ गया सीन में। तो मैं बोला कि ये सीन में तो था नहीं, तो वो बोले कि अच्छा लेकिन उनके साथ ऐसा हो गया, हमसे देखा नहीं गया भैया। तो मैं बोला नहीं नहीं अरे वो फिल्म में हुआ है, तो हम सब हंस रहे थे, तो ये सब ऐसा हो गया फिल्म में, तो कॉमेडी टाइप था। आज के हमारे दर्शक मुझे लगता है कि दे आर क्वाइट डिफरेंट दैन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। हमारे साथ के जो ऑडियंस थे दे वेर डिफरेंट ऑडियंस, हम लोग टोटली कॉमर्शियल मूवीज़ देखने जाते थे, बट आज की जो ऑडियंस है वो इशू बेस्ड मूवी देखना पसंद करती है। तो मेरी मूवी में मैं दो इशू बहुत स्ट्रांगली उठाया हूँ, एक तो आतंक के खिलाफ है, ISIS जो रेडिकलाइज करती है उसके खिलाफ है, जो आज बहुत हैपनिंग है, जो आज मुझे लगता था कि उठाना बहुत ज़रूरी था। और दूसरा कि जो हमारे कंट्री के जो जासूस होते हैं, स्पाइज होते हैं, जो रॉ एजेंट्स होते हैं, वो जब फॉरेन कंट्री में जाकर हमारे कंट्री को इन्फॉर्मेशन देने के लिए जब वहाँ रहते हैं, तो कितने खतरे से, कितने संकट से उनको गुजरना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है, अपना पूरा हिस्ट्री इरेज कर उनको अपना एक पूरी नई आइडेंटिटी शुरुआत करनी पड़ती है नए कंट्री में, और क्या क्या खतरों से खेल कर वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन अगर गलती से वो पकड़े जाते हैं, तो ऐसे में हमारा कंट्री का ऐसा प्रोटोकॉल रहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारे कंट्री का जासूस है। समहाउ इनकी भी मजबूरियां होंगी, वो मजबूरियां भी हमने दिखाया, हमने अपने कंट्री को कहीं भी निगेटिव शेड में नहीं दिखाया, बिकॉज जो भी रूल्स होंगे, जो भी हमारे लोगों ने बनाया है संविधान से लेकर, या जो भी डिफेंस के जो रूल्स होंगे, वो तो अच्छे ही हैं, तभी तो हम सेफ हैं।
बट जो भी होता है एक स्पाई के साथ में, वो एक टॉर्चरस लाइफ कैसा होता होगा, वो उसके ऊपर मैं बनाया हूँ। उनको मरने के बाद भी वो रिकग्निशन नहीं मिलता है, अवार्ड नहीं मिलता है, उनको शहीद नहीं माना जाता है। तो ये मुझे बहुत, मेरे दिल को छुआ था, मैं बहुत आहत हुआ था ये सब सुनकर। रविंद्र कौशिक जी हैं, उनकी स्टोरी पढ़ा था तो मैं बहुत इंस्पायर भी हुआ उनसे कि कितने बड़े वो पैट्रियाटिक पर्सन थे, कितने जाबाज थे और कितना खतरा मोल लेकर वो पाकिस्तान में सेटल होकर वो इन्फॉर्मेशन भेजे थे, लेकिन जब पकड़े गए थे तो बहुत टॉर्चरस लाइफ था। ऐसे में कंट्री को शायद कहीं ना कहीं कुछ चेंज होना चाहिए, शायद मेरी मूवी से शायद कहीं ना कहीं कोई अफेक्टेड हो जाए और शायद कुछ बदले। मैं प्लान कर रहा हूँ दिवाली के आसपास। Planet Bhojpuri.